दोस्तों, आपने कई ऐसे टीवी शो देखे होंगे जिनकी असल कहानी शादी के बाद शुरू होती है। शादी के बाद ही शो इंटरेस्टिंग बनता है, जिसके चलते टीवी सीरियल में शादी को काफी अहम माना जाता है। पर असल जिंदगी में तो हमारी अभिनेत्रियां शादी करने से दूर भागती हैं। उन्हें हमेशा से ही डर लगता है कि शादी करने के बाद उन्हें अपने करियर को टाटा बाय बाय कहना पड़ जाएगा। इसलिए देखा जाता है कि अभिनेत्रियां काफी ज्यादा उम्र तक कुंवारी बैठी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां नहीं, बल्कि ऐसे कई अभिनेता हैं जो आज इंडस्ट्री में एक पहचान बना चुके हैं, मगर अभी भी कुंवारे हैं। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी जगत के 10 ऐसे ही अभिनेताओं से रूबरू कराएंगे जो ना जाने किसके इंतजार में कुंवारे बैठे हैं। नंबर 1, हर्षद चोपड़ा। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शामिल होता है अभिनेता हर्षद चोपड़ा का, जो कि बेपनाह सीरियल में अपनी केमिस्ट्री से हर किसी को अपना दीवाना बना चुके हैं। लेकिन अगर बात करें कि ये हैंडसम अभिनेता अब तक अनमैरिड क्यों है, तो आपको बता दें कि ये किसके इंतजार में कुंवारे हैं। दरअसल हुआ यूं कि हर्षद चोपड़ा ने अभिनेत्री श्रुति झा से दिल लगाया था, पर उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, जिसके चलते अब इनका प्यार और शादी पर से भरोसा उठ चुका है। नंबर 2, अदनान खान। जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो इश्क सुभान अल्लाह में कबीर अहमद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अदनान खान आज अपने 32 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद अब तक ये अनमैरिड हैं। बात करें इनकी वजह की, तो आपको बता दें कि दरअसल ये अपने को स्टार ईशा सिंह से दिल लगा बैठे हैं, जो अभी काफी छोटी है और अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, जिसकी वजह से उनके इंतजार में कुंवारे बैठे हैं। नंबर 3, करण कुंद्रा। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर अभिनेता करण कुंद्रा भी हमारे इस लिस्ट में शामिल है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि करण कुंद्रा कृतिका कामरा और अनुषा डांडेर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रह चुके हैं, पर इनका कोई भी रिलेशनशिप सफल नहीं रहा, जिसके चलते ये अभी तक कुंवारे बैठे हैं। नंबर 4, पल्लवी पुरी। नागिन 3 शो से मशहूर हुए अभिनेता पल्लवी पुरी टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में से एक है, जिनसे शादी करके तमन्ना हर कोई रखता है, पर बावजूद ये आज भी कुंवारे हैं। बात करें इसके पीछे की वजह की, तो आपको बता दें कि पल्लवी पुरी फिल्मों का जाना माना चेहरा बनना चाहते हैं, जिसके चलते ये कुछ सालों तक शादी नहीं करना चाहते। नंबर 5, नमीश तनेजा। अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ अपने अट्रैक्टिव लुक से भी हर किसी के फेवरेट बनने वाले अभिनेता नमीश तनेजा हमारे इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। आपको बता दें कि जब इनसे पूछा गया कि आखिर ये किसके इंतजार में कुंवारे हैं, तो इन्होंने कहा कि अभी इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, जिसके चलते ये अभी शादी नहीं करना चाहते। नंबर 6, जैन इमाम। अपने टीवी शो के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहने वाले अभिनेता जैन इमाम यूं तो अब तक जैस्मीन भसीम और श्रेणु पारिक से जैसी अभिनेत्रियों को डेट करने के साथ सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन शादी के लिए प्रपोज भी ये अदिति राठौर को कर चुके हैं, पर इन्होंने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते अभी तक ये अपना प्यार पाने के इंतजार में है। नंबर 7, शहबान अजीम। तुझसे है राब्ता सीरियल में रीम के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री उतारने वाले शहबान अजीम आज भी कुंवारे बैठे हैं। इन्होंने अपने जीवन में सफलता भी देख ली, पर बावजूद इसके अब तक इन्होंने अपना घर नहीं बसाया। बात करें इसके पीछे की वजह की, तो ये वर्तमान में रीम शेख को डेट कर रही हैं, जिनके रिलेशन को कुछ ही समय हुआ है, इसलिए अभी एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं। नंबर 8, राहुल सुधीर। पिंजरा खूबसूरती का इश्क में मर जा पैट और राजा बेटा जैसे टीवी शो से पॉपुलर होने वाले अभिनेता राहुल सुधीर भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक है जो आज भी कुंवारे बैठे हैं। बात करें इसके पीछे की वजह की, तो दरअसल ये अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने अब तक इनके लिए कोई परफेक्ट मैच नहीं ढूंढा, इसलिए इंतजार में बैठे हैं। नंबर 9, मोहसिन खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में शिवांगी जोशी के साथ अपनी केमिस्ट्री से हर किसी को दीवाना बनाने वाले अभिनेता मोहसिन खान असल जिंदगी में भी शिवांगी जोशी के साथ रिलेशनशिप में है, पर बावजूद इसके अब तक इन्होंने उनसे शादी नहीं की। बात की जाए इसके पीछे की वजह की, तो आपको बता दें कि शादी के लिए अब तक शिवांगी जोशी ने इन्हें हां नहीं कहा है, इसलिए अभी तक उनके इंतजार में कुंवारे बैठे हैं। नंबर 10, अविनाश मुखर्जी। वर्तमान में ससुराल सिमर कर 2 से दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जाने वाले अभिनेता अविनाश मुखर्जी टीवी के मशहूर अभिनेता बन चुके हैं, जिन्होंने बचपन से ही हर किसी का दिल जीता है। लेकिन अगर बात करें अविनाश मुखर्जी ने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो आपको बता दें कि इनका कहना है कि अभी इनकी उम्र शादी के लिए नहीं है, अभी इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन कारणों के चलते इन अभिनेताओं का अब तक कुंवारा बैठना सही है या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।